कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड पे। यार जैसे कि पीछे लॉन्ग स्वॉर्ड को देखकर तुम समझ ही गए होगे कि वाइपर कटाची को बहुत ज़्यादा हंट करने के बाद लास्ट में फाइनली मैंने ये लॉन्ग स्वॉर्ड क्राफ्ट कर लिया। वो हंट मैंने ऑफ स्क्रीन किया क्योंकि मुझे लगा कि एक ही रिपीटेटिव हंट देखते देखते तुम भी बोर हो जाओगे। तो यार आज का टारगेट है मेरा एक नया इंसेक्ट ग्लेव क्राफ्ट करना, और मैं चाहता हूँ कि वो इंसेक्ट ग्लेव जो है वो पॉइजन इंसेक्ट ग्लेव हो। तो मैं जाऊंगा ट्री पे और मैं उसको एक सेकेंड, हाँ इंसेक्ट ग्लेव में गया, मैं ट्री पे जाऊंगा और मैं उसको एलिमेंट से सॉर्ट आउट कर दूंगा और मुझे चाहिए पॉइजन ग्लेव। तो 7 रिजल्ट्स है मेरे पास और ये जो येलो वाले हाईलाइट्स है वो है सारे रिजल्ट्स। तो बेसिकली मेरे को स्टार्ट करना है जहाँ तुम हैमर का आइकन देख सकते हो, पूके पूके सैक प्लस से। इसका मतलब है मेरे को हंट करने पड़ेंगे कुछ हाई रैंक के पूके पूके और कुछ मास्टर रैंक के, ताकि मैं अपने इंसेक्ट ग्लिफ को अपग्रेड कर सकूं। तो यार चलो इसी के साथ शुरू करते हैं। हाई रैंक के पूके पूके इसको हंट करना पड़ेगा। अभी ऑप्शनल में जाऊंगा और देखूंगा कि पूके पूके के कौन से क्वेस्ट अवेलेबल है। तो यार पहला तो है स्पेशल अरीना का, जो कि बहुत अच्छी बात है कि ढूंढने के लिए एंशिएंट फॉरेस्ट में नहीं जाना पड़ेगा और एंशिएंट फॉरेस्ट के भूल भुलैया के ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो यार नया वेपन को यूज़ करने का टाइम आ चुका है और होपफुली जो एक्सपेक्टेशन से वेपन से वो सही रहे। और क्योंकि वाइपर टोबी कटाची का वेपन है तो मैं सोच ही रहा हूँ कि एटलीस्ट एक या दो पैरालिसिस अपने को मिल सके इस हंट के अंदर। तो यार पत्थर उठा लिया है मैंने, पहले ही इसने दहाड़ दिया और पहले ही मैं डाउन। वॉल बैंग रेडी है, नाइस, कर लेते हैं इसको टेंडराइज। वक्त रहते दूसरे पंख को भी मैं टेंडराइज करने की कोशिश करूंगा, नाइस। अच्छा पंख टेंडराइज नहीं हुआ लेकिन उसके पैर टेंडराइज हो गए, फिर से कोशिश करते हैं, नाइस। मुझे नहीं लगा था उसका हिटबॉक्स बड़ा होगा। पार्ट ब्रेक मिल चुका है और यार पहला पैरालिसिस भी मिल चुका है अपने को। वेपन हैज एक्सपेक्टेड काम आ रहा है। हेल्म ब्रेकर की तैयारी, हेडशॉट, पार्ट ब्रेक, नाइस। और मुझे ऐसा क्यों लगा मैंने हेल्म ब्रेकर गलत टाइम पे मार दिया, क्योंकि मेरे पास रेड पावर अप नहीं था, रेड स्पिरिट गेज पावर अप नहीं था। कोई बात नहीं, रीच, नाइस, रेड पावर अप आ चुका है अभी। एक बार फिर से हेल्म ब्रेकर की तैयारी, बहुत ही सही टाइम पे टिप हुआ वो। एक और बार पैरालिसिस, बिल्ला भी पैरालिसिस वेपन यूज कर रहा है, मैं भी पैरालिसिस वेपन यूज कर रहा हूं, तो डबल ट्रबल है अभी कुके कुके के पास। मुझे नहीं लगता वो बच पाएगा, वैसे बच तो नहीं ही पाएगा। और पुके पुके खत्म। काफ़ी तेज़ हंट था, लेकिन ये तेज़ हंट आधा इसलिए है क्योंकि मैं मास्टर रैंक के वेपन्स यूज़ कर रहा हूँ एक हाई रैंक मॉन्स्टर के खिलाफ, तो वो तो एक्सपेक्टेड था। बट खैर कोई दिक्कत नहीं, अभी तो टारगेट है कि एक इंसेक्ट ग्लेव क्राफ्ट करने का, पॉइजन इंसेक्ट ग्लेव क्राफ्ट करने का स्पेसिफिकली। 40 सेकेंड अभी रुकना पड़ेगा इसी अरीना में, तब तक बाकी की चीज़ें भी कलेक्ट कर लेते हैं।
पूंछ भी कट चुकी है, मतलब एक एक्स्ट्रा हार्वेस्ट मिलने वाला है मुझे। नाइस, होपफुली इतना काफ़ी होना चाहिए पहले लेवल का इंसेक्ट ग्लेव क्राफ्ट करने के लिए। और एक बार वो हो जाता है तब चलेंगे मास्टर रैंक के पुके पुके पे। 10 सेकेंड और बचते हैं। तो यार थोड़े से एलिमेंट के बारे में मैं तुमको बता दूं कि एलिमेंट से सिर्फ फायर, वाटर, अर्थ ये सब नहीं होता इस गेम में। स्पेसिफिकली एलिमेंट्स के अलावा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। एलिमेंट्स का मतलब कि बीमारियां फैलाने की चीज़ें, जैसे कि पैरालिसिस फैलाने वाला स्वॉर्ड हो गया, या फिर पॉइजन देने वाला कोई तभी दूसरा वेपन हो गया। फायर वेपन्स, वाटर वेपन्स, वो सब तो चलते रहेंगे। कुछ कुछ तो स्लीप वेपन्स होते हैं जो कि सुला देते हैं मॉन्स्टर को। तो चलो यार वर्कशॉप पे चलते हैं और देखते हैं कि इंसेक्ट ग्लेव जो है क्राफ्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं। फॉर इक्विपमेंट, वेपन्स, इंसेक्ट ग्लेव। ट्री पे जाऊंगा और एलिमेंट में डालूंगा मैं पॉइजन, होपफुली ये तैयार हो। पूके पूके की पंख चाहिए मुझे, ठीक है वो भी क्राफ्ट कर लेंगे। तो यार पूके पूके विंग और पूके पूके विंग प्लस, इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो उसके लिए मैं जाऊंगा हंटर्स नोट पे, लार्ज मॉन्स्टर फील्ड गाइड पे, और यहाँ पर सर्च करूँगा पूके पूके को, ताकि मुझे पता चले कि कौन से रैंक का मॉन्स्टर हंट करना सही रहेगा। तो पूके पूके में गया, रिवॉर्ड्स में गया, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो पूके पूके विंग जो है हाई रैंक रिवॉर्ड है, और पूके पूके क्विल जो है जिसमें विंग का ही आइकन है, अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो विंग का आइकन राइट। पूके पूके विंग जो है हाई रैंक रिवॉर्ड है, तो कुछ और हाई रैंक के पूके पूकेज मुझे हंट करने पड़ेंगे। तो फिर से चलते हैं एक और पूके पूके हंट करने के लिए। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, और मुझे नहीं लगता इस बार स्पेशल हरीना के अंदर है। तो एंशिएंट फॉरेस्ट के अलावा मैं तो हमेशा वाइल्ड स्पायर वेस्ट ही चूज करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा खाली खाली मैप लगता है। तो यार न्यू कैंप 6 में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे पुके पुके को। एक चीज और, जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि इस बार इसको हंट नहीं कैप्चर कर लेते हैं। मैनेज आइटम्स, और मैं ले लूंगा एक ट्रैप टूल। नाइस, कैप्चर करने से यूजुअली रिवॉर्ड का जो क्वांटिटी है वो बहुत बढ़ जाता है। तो अगर कुछ नया वेपन्स वगैरह क्राफ्ट करना चाहते हो, या फिर कोई नए आर्मर के लिए ग्राइंड कर रहे हो, तो मैं तो हमेशा सजेस्ट ही करूँगा कि हंट के अलावा या फिर स्ले के अलावा कैप्चर करो किसी भी मॉन्स्टर को। स्काउट फ्लाइज ने सेंट पकड़ लिया है, मिनी मैप में पुके पुके दिख चुका है, मिनी मैप क्या, बड़े मैप में पुके पुके दिख चुका है। देखूंगा यहाँ पर कुछ पत्थर वगैरह है क्या, पत्थर भी मिल चुका है, तो मैं वॉल बैंक कर सकता हूँ इसको भी इसके लिए। तो यार साइड में देख सकते हो रैथियन भी उधर खड़ा है, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो स्क्रीन के पीछे, तो वहां तक मैं जाऊंगा नहीं। फोरसाइट, कॉम्बो कंप्लीट नहीं हो पाया, खैर कोई दिक्कत नहीं। पैरालिस हो गया ये, एक और बार ये रोर करने वाला था लेकिन एकदम सही टाइम पे पैरालाइज हुआ। गलत टाइम पे लंबी छलांग लगाई उसने, खैर कोई दिक्कत नहीं, पीछा करेंगे उसका। अरे रेड स्पिरिट गेज आ चुका है, टाइम है अभी हेल्म देकर डालने का।
और जैसा कि तुम्हें याद होगा पॉइजन रेजिस्टेंस वाला आर्मर पहन रखा है मैंने, तो इसके पॉइजन से कोई असर भी नहीं हो रहा मुझे, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक और बार हो गया ये पैरालाइज, नाइस। इमेजिन करो अगर तुम एक स्क्वाड पे खेल रहे हो एक टीम के साथ और सबने पैरालाइज वेपन उठा के रखा हुआ है। भाग रहा है वो, खैर कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगा पत्थर मार के रोक सकता हूँ उसको। तो यार इसको मैं कर लूंगा कैप्चर। मजेदार बात तो यह है कि वेपन की शार्पनेस खत्म होने से पहले ही फूके फूके खत्म हो चुका है। अब उसके लैंड करने तक हार्वेस्ट ही कर लूंगा। ऑलराइट, दो ट्रैंक बॉम्ब्स और एक ट्रैप टूल और हंट हो चुका है खत्म, नाइस। रैथियन भी आ चुकी है यहाँ पे, क्योंकि मुझे अभी डैमेज पहुंचने वाला है नहीं, मैं इसको डैमेज पहुंचाऊंगा। चलो यार क्वेस्ट खत्म हो गया। काफी सारी चीजें मिली है लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपने को विंग मिला है, तो पॉसिबिलिटी है कि विंग को तोड़ना पड़ेगा, एक पार्ट ब्रेक लेना पड़ेगा और इसी टाइम पे अपने को विंग मिल सकता है। खैर फिर भी एक बार जाके चेक कर लेते हैं कि विंग्स मिलेगी नहीं। फोर्ज इक्विपमेंट, वेपन्स, इंसेक्ट ग्लेव, फिर से सॉर्ट आउट करूंगा मैं। तो यार विंग नहीं मिले, शक सही निकला कि विंग्स को स्पेसिफिकली तोड़ना पड़ेगा, जॉइन नहीं। तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार पार्ट ब्रेक चाहिए मुझे वही स्पेसिफिकली विंग्स का। ज़्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए क्योंकि हर बार हेल्म ब्रेकर मैं जब फेस पे लगाता था, इस बार मैं कोशिश करूँगा कि सारे हेल्म ब्रेकर्स में विंग्स पे ही लगाऊँ। तो लगता है एकदम एग्जैक्ट जगह पर छोड़ चुका है ये, लेकिन ये तो रैथियन है यहाँ पे, शायद इसने गलत जगह पे अपने को उतार दिया। खैर कोई दिक्कत नहीं, साइट कॉम्बो कंप्लीट। कुछ ज्यादा ही दूर निकल रहा है ये, ओह ओह ओके, वो रैथियन के इलाके पे जा रहा है जहां पर अब रैथियन भी उसको मारने वाला है, मारने वाली है, लेकिन इससे पहले मुझे छुपके निकलना पड़ेगा। उसके पूंछ के नीचे से निकल गया मैं, उसको पता भी नहीं चला। पहला विंग हो चुका है टेंडराइज, ओके। दूसरे विंग को भी मैं कर लेता हूं टेंडराइज। अब आ चुका है इसको गुस्सा, नाइस। थोड़ा डिस्टेंस लूंगा, सिर्फ विंग्स को ही मुझे अभी फोकस करना है।
पहला विंग टूट चुका है। नाइस। दूसरा विंग भी टूट चुका है और राथियन भी यहां पर है। बुके पैरालाइज हो चुके हैं, लेकिन रैथी ने यहां से जाने का नाम नहीं ले रही। कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से विंग पे। नाइस। ओ नॉट टू बैड, नॉट टू बैड। दोनों ही पॉइजन्ड हो चुके हैं और रैथियन पुके पुके को मारने में लगी है। एकदम ही पैरों के नीचे से निकला मैं। नाइस। इसके आते आते मैं यहाँ से निकल लूँगा। वेपन की शार्पनेस कम हो चुकी है तो थोड़ा गैप लूँगा मैं और इसी टाइम पे वेपन को मैं कर दूँगा शार्प। पुके पुके ऊपर की ही तरफ गया है, इसका मतलब यह है कि पुके पुके कमज़ोर हो चुका है और रैथियन भी यहां पर मौजूद है। नहीं नहीं फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट है। हेल्म ब्रेकर की तैयारी। नाइस। पंख पे थोड़ा संभल के देखना चाहिए था मुझे उसे। फिर से कोशिश करते पंखों पे वार करने की। चलो यार पुके पुके खत्म है, लेकिन इस बार दोनों पंख तोड़े हैं तो होपफुली पुके पुके के फेलविंग अपने को मिलने चाहिए। तो पंखों पे ही कोशिश करता हूँ हार्वेस्ट करने की। वैसे कुछ फ़ायदा नहीं होता कि स्पेसिफिकली अगर मैं पंखों पे हार्वेस्ट करूँ तो मिलना मुझे वही रैंडमली ही है, लेकिन चलो यार पुके पुके का एक विंग तो मिल चुका है, होपफुली रिवॉर्ड्स में एक और विंग मिल जाए। तो यार पुके पुके का हंट हो चुका है ख़त्म। 40 सेकेंड अभी और वेट करने पड़ेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार अगर मैं पुके पुके का इंसेक्ट ग्लेव क्राफ्ट कर लूँ तो उसके जो अगले वाले अपग्रेड्स होने वाले हैं, तो अभी तो मैं हाई रैंक पे हूँ तो मास्टर रैंक, ऑब्वियसली मास्टर रैंक के पुके पुके के अपग्रेड्स आने वाले हैं। लेकिन उसके भी अगर आगे मैं अपग्रेड करना चाहूँ तो मेरा सबसे बेस्ट गेस बनता है कि रैथियन को, या फिर कह सकते हो पिंक रैथियन को और हंट करना पड़ेगा, क्योंकि गेम में वही दो मॉन्स्टर अभी तक है जिनमें जो पॉइजन लेवल है, या फिर कह सकते हो जो पॉइजन अटैक है या फिर पॉइजन सैक है, उनका अमाउंट ज़्यादा है। तो यार रिवॉर्ड आ चुका है और देख सकते हो दो पुके पुके के विंग्स मिल चुके हैं मेरे को। ठीक है तो नेक्स्ट मोमेंट ही जाके इनसे ग्लेव क्राफ्ट कर लेते हैं। The weather report states that the hinterlands is due for a blizzard soon. If we're going to find them, तो यार पहुंच चुके हैं इस तरफ। तो यार सबसे पहले मैं चलूँगा वर्कशॉप पे, क्योंकि पुके पुके का पहला इंसेक्ट ग्लेव जब क्राफ्ट हो चुका था तो देखता हूँ अपग्रेडेशन में कुछ होगा कि नहीं। देख सकते हो यार वो पहला इंसेक्ट ग्लेव मैंने क्राफ्ट किया था। शायद से ये वीडियो थोड़ा कट होके आया होगा क्योंकि बीच में ही सॉफ्टवेयर फिर से मेरा क्रैश हो गया था और एज़ यूजुअल मैं इसको बीच के ही एडिट में ले रहा हूँ। लेकिन कुछ मिस नहीं किया तुमने, मैंने बस क्राफ्ट का बटन दबाया और उसी टाइम सब कुछ ख़त्म। ओके तो नेक्स्ट मुझे तो दिख रहा है पुके पुके विंग और 6 पीसेस कलेक्ट करने, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो यार उससे पहले
उससे पहले सलियाना निकलते हैं और देखते हैं वहाँ पर हैंडलर ने अपने लिए क्या बचा रखा है। तो यार निकल चुके हम सलियाना के लिए और मुझे लगता है एक नया मॉन्स्टर अपने को इधर मिलने वाला है। पहुंच चुके हैं सलियाना और फील्ड टीम लीडर बोलते हैं, वेलकम बैक एंड हे नाइस वर्क बैक ईस्ट। योर हैंडलर हैज बीन यूजिंग ब्लिस बिल्स टू सेंड मी अपडेट्स। तो यार बेसिकली ब्लिस बिल्स एक चिड़िए का नाम है जो मैप में पाया जा सकता है। ओके, साउंड्स लाइक दे केम अक्रॉस अ बैरियर प्रॉलिंग अबाउट व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग द शिपरेक। हियर आई विल रीड यू हर रिपोर्ट। Look at how nice her handwriting is. Anyway, investigated wrecked vessel and envious environs. Iska matlab environments with first fleet handler. Survey interrupted by Barioth reporting as per protocol. Will shelter until safe, then continue work. Our return will be delayed, but everything is under control. I'm sure they're fine, right? Yeah, of course they are. But to be on the safe side, I'm going to ask you to take care of the Barioth. Their camp will only provide so much cover after all. Camping out in the cold has its limits. Make sure to come on back before anything bad happens. तो यार नया क्वेस्ट आ चुका है जिसका नाम है ब्लिजर्ड ब्लिट्स और इसमें अपने को हंट करना है एक बैरियोथ। तो अगर तुमको याद होगा कि बैरियोथ बेसिकली बहुत बड़े शेर जैसा एक था या फिर कह सकते हो एक सेबर टूथ जैसा मॉन्स्टर था। तो यार बैरियोथ से लड़ने से पहले कुछ ऐसे क्वेस्ट है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। वो बेसिकली इवेंट क्वेस्ट है मास्टर रैंक में और इसको कहते हैं अ फिश टू वेट योर एपेटाइट। अब ये क्यों मैं करना चाहता हूँ ये भी मैं तुम्हें बताऊँगा। तो बेसिकली तुमने देखा होगा कि क्या कहते हैं अपना जो शार्पनेस मीटर है वो यूजुअली कम होता रहता है। तो मैं ये क्वेस्ट सिलेक्ट करूँगा और सबसे पहले मैं जाऊँगा साउथ वेस्ट कैंप वन पे जो कि है वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे। और ये क्यों क्वेस्ट मैं क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ अच्छे से। तो देखा होगा कि अपना जो शार्पनेस जब भी कम होता है ना तो मॉन्स्टर से डिस्टेंस लेकर के अपने को जो स्वॉर्ड है या फिर अपना जो भी वेपन है उसको चार बार घिसना पड़ता है। अब चार बार घिसते घिसते आधी क्वेस्ट निकल जाती है आधी ज़िंदगी निकल जाती है और उतने टाइम में मॉन्स्टर आके पेल भी देता है। तो अभी अब फिश टू वेट योर एपेटाइट पे बेसिकली रिवॉर्ड्स में क्या मिलता है ना कुछ फिश के फिन्स मिलते हैं और उन फिश के फिन्स का फ़ायदा ये होता है कि बस तलवार को एक बार घिसो तो वो शार्पन हो जाता है। चार बार घिसने की ज़रूरत नहीं है तो टाइम भी बचता है सब कुछ बचता है। अरे बाप रे बैन बैरो वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे आ चुका है। खैर कोई दिक्कत नहीं नीचे निकलते हैं। तो वाइल्ड स्पायर वेस्ट के पहले कैंप में मैं आते ही मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो अपना नेट जो है वो इक्विप कर लूँगा ऐसे। तो यार यहाँ पर नदी में देख सकते हो काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना अपना जो गिली मैंटल है जो छुपने वाला मैंटल है उसको मैं इक्विप कर लूँगा ताकि जब मैं पानी में कूदूँ तब मछलियों के आर पार भी जाऊँ तो वो मुझसे डरे ना। तो यार ऐसी वाली मछली ढूंढनी है और इसको कहते हैं वेट फिश। तो इस पर मैं जाली मार के इसको कैप्चर कर लूँगा। तो पहला ग्रेट वेट फिश मिल चुका है। नेक्स्ट अपने को जाना है इसी मैप के सेंट्रल कैंप 6 में। अगर तुम सारे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा सेंट्रल कैंप 6 कहाँ पर अनलॉक किया था। तो ये एक और वेट फिश है देख सकते हो तो इसको भी मैं कर लेता हूँ कैप्चर। नहीं हो पाया अरे फिर से नहीं हो पाया। तो यार ये वाला मछली तो कैप्चर नहीं हो पाया तो बेसिकली वेट करना पड़ेगा। लेकिन वेट करते करते मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कहाँ पर है ये वाला एरिया कैंप नंबर 6। तो याद होगा ये वाला जो एरिया था जहाँ से बैरोथ से अपन लड़े थे और इसके थोड़ा सा इस तरफ आते ही तुमको ये वाला कैंप दिख जाएगा। तो यहाँ पर यूजुअली वेट फिश मिल जाता है। तो यार ये कोशिश देख रहे हो नाकाम रहा तो वेट करने से बेटर है रिटर्न फ्रॉम क्वेस्ट कर लो। तो तुम्हारे जो रिवॉर्ड्स है वो मेंटेन रहते हैं। रिवॉर्ड्स तो तुम्हारे रहेंगे ही
लेकिन क्वेस्ट रीसेट हो जाएगा और मछलियाँ आने में क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, और तुमने देखा मेरा लक बहुत ख़राब था क्योंकि जब मैंने एम किया तब कोई दूसरी मछली फंस गई, वेट फिश नहीं फंसी। तो एक बार फिर से वो क्वेस्ट कोशिश करूँगा मैं। तो मैं गया पोस्ट क्वेस्ट इवेंट फिश टू वेट योर एपेटाइट। ठीक है, पहले कैंप में सबसे पहले उतरूंगा और इस क्वेस्ट को दो या तीन बार कर देने से तुम्हारे पास इतने ज़्यादा वेट फिश प्लस वेट फिश फिन आ जाएंगे कि तुम्हें कभी भी वेपन को मतलब नॉर्मली शार्पन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूरे गेम में। तो सबसे पहले मैं इक्विप कर लेता हूँ अपना कैप्चर नेट। बैनवेरो मौजूद है यहाँ पर एज़ यूजुअल, लास्ट टाइम भी यहीं पर था। कैप्चर नेट इक्विप किया और अभी पास आते ही मैं इक्विप कर लूँगा अपना गिली मेंटल। ओके, वेट फिश यही है तो मैं इसको पकड़ लूँगा। नेक्स्ट मैप में एज़ यूजुअल सेंट्रल कैंप 6। होपफुली अभी मछलियाँ जो है थोड़ी सी स्कैटर्ड हो ताकि वेट फिश दिख जाए, स्कैटर्ड है नहीं वैसे। तो थोड़ा सा आगे करके मैं और देख सकते हो यार वेट फिश फंस चुकी है। तो ग्रेट वेट फिश फंसा लिया मैंने और साइड में देख सकते हो वेट फिश फिन प्लस मुझे मिला है और उसकी फंक्शनैलिटी भी मैं तुम्हें बताऊँगा जैसे टाइमर ख़त्म होता है। और उसकी फंक्शनैलिटी मैं तुम्हें डायरेक्ट बैरियोथ के ही हंट में बताऊंगा यार, क्योंकि एक बार अनशार्पन हो जाता है ना ऑब्जेक्ट तो उसको शार्प करना कितना ज़्यादा ईजी पड़ जाता है। तो ये देख सकते हो दो वेट फिश फिन प्लस मिल चुके हैं मुझे, नाइस। जो ज्वेल है फ्रॉस्ट ज्वेल, कोई खास ज्वेल है नहीं वो, खैर। तो चलो ये हो चुका है, बैरियोथ के क्वेस्ट पे चलता हूँ मैं। लेकिन इससे पहले मैं क्या करूँगा ना, मैं जाऊँगा कस्टमाइज रेडियल मेन्यू पे, क्वेस्ट सेटिंग्स में जाऊँगा और ऊपर देख सकते हो यार शॉर्टकट में वेट स्टोन है। तो वेट स्टोन की जगह मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर मैं ले आऊँगा वेट फिश फिन प्लस को, ताकि बाई डिफ़ॉल्ट में जब भी वेट स्टोन यूज़ करूँ तो वेट फिश फिन प्लस ही यूज़ हो। तो मैं जाऊँगा असाइन में ब्लिज़र्ड ब्लिट्स, देख सकते हो जो कि है बैरियोथ का क्वेस्ट। क्वेस्ट लोड थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, मे बी इसलिए क्योंकि नया क्वेस्ट है तो कटसीन का भी लोडिंग टाइम शायद काउंट कर रही है लोग। खैर कोई दिक्कत नहीं, कभी भी याद रखना दोस्तों कि स्टोरी क्वेस्ट आगे बढ़ाते बढ़ाते ऑप्शनल क्वेस्ट भी ग्राइंडिंग कर लेना चाहिए जो जो बच्चे कुचे रहते हैं, जो मैंने किया नहीं है, मैं बाद में करूँगा। तो यार पहले चल लेते हैं क्वेस्ट के लिए और यहाँ पर हंट करेंगे आज बैरियोथ। पहुँच चुके क्वेस्ट पे। सबसे पहले यार मैं मील खाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर कोई क्या कहते हैं नया मॉन्स्टर है उसको बिना मील के मैं झेल पाऊंगा। खैर हॉट ड्रिंक पी लेता हूँ ताकि सर्दी से मेरे को डैमेज ना हो। ये भी कर लेता हूँ कलेक्ट। और कोशिश करूँगा कि बैरियोथ को मैं ट्रैप करूँ इंस्टेड ऑफ किलिंग इट, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नए मॉन्स्टर का पूरा फुल फ़ायदा ना उठाऊं मैं, उसके जितने भी पॉसिबल पार्ट्स मेरे को मिल सके वो ना उठाऊं। नलवेरी भी साथ साथ में मैं लेके जा रहा हूँ क्योंकि जितना मुझे लगता है बैरियोथ के लास्ट टाइम के डिज़ाइन से मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके आइस अटैक्स रहते हैं। तो ये देख सकते हो फुटप्रिंट मिल चुका है, हैंडलर की फुटप्रिंट मिली है अपने को। तो कहाँ था मैं, हाँ मैं नहीं चाहता कि बैरियोथ के अटैक्स से मैं बार बार फ्रीज होता रहूँ या फिर कह सकते हो बार बार मुझे आइस ब्लाइट लगता रहे। पत्थर उठा लेता हूँ
और थोड़े फुटप्रिंट्स मिले हैं, हैंडलर के भी और ट्रैकर के भी। नाइस। और ये बैरियोथ के फुटप्रिंट्स है 100%। फ्रोजन एनिमल्स या फिर कह सकते हो फ्रोजन स्मॉल मॉन्स्टर्स मौजूद है यहाँ पे। एकदम फ्रेश है वो भी लाश और भरे पड़े हैं। तो यार ये है बैरियोथ। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है और देख सकते हो किस तरीके से उसने पाउंस किया है मेरे पे, एकदम एक शेर की तरह। इसके तो दांत तोड़ूंगा मैं 100%। ओके तो यार रेडी है अपन हंट के लिए। तो सबसे पहले तो इसको मैं वॉल बैंग ही दूंगा, यहां से हटूंगा। बहुत ही तेज तेज अटैक से इसके। अरे बाप रे, एक दो होपफुली तीन में हो जाए वॉल बैंक। नाइस। सबसे पहले मैं इसकी पूंछ को टेंडराइज करूंगा क्योंकि मुझे इसकी पूंछ चाहिए। अब इसको आ चुका है गुस्सा। फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट। नाइस। थोड़ा सा रह गया मैं। फोरसाइट ये अपने मुंह से भवंडर फेंक सकता है। कंप्लीट हैकर है भाई ये तो। बहुत बुरा वाला हिट चेक पड़ा मेरे को। हट जाता हूं यहां से। फोरसाइट ये वॉल रनिंग भी कर सकता है। फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट। रेड गेज फुल है। हट जाता हूं। नाइस। बहुत ही बुरा अटैक था वो। समय रहते ही खुद को हील कर लेता हूं यार। कुछ ज्यादा ही लंबी लंबी पाउंसेस है इसकी। बर्फ गिर चुकी है यहां पे, लैंडस्लाइड हो चुकी है। बहुत ही सरप्राइजिंग अटैक से इसके अटैक्स पैटर्न याद रखना मुश्किल लग रहा है मेरे को। फोरसाइट थोड़ी जल्दी लगा दिया मैंने। फोरसाइट कनेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा पहले लगा दिया। मुझे चाहिए इसकी पूंछ। स्पिरिट गेज फुल। नहीं, एक बार फिर से कोशिश करूंगा।
बहुत ही तेज़ तेज़ मूवमेंट्स है इसके, मेरे एक भी अटैक अच्छे से लैंड नहीं कर रहे और आधे टाइम हवा पे रह रहा है ये। फिर से हील करना पड़ेगा। अच्छा बिल्ला आ रहा है हील करने के लिए। नाइस। तो यार पहले तो मैं इसके हाथ पंखों को तोड़ूंगा ताकि ज्यादा उड़ ना पाए ये। तो यार देख सकते हो शार्पनेस भी कम हो चुका है, लेकिन वेट फिश विन प्लस है तो मैं सिर्फ एक बार घिसूंगा और शार्पनेस पूरी वापस आ जाएगी। तो यही रीज़न था मैंने वेट फिश विन प्लस लिया था। कर लेता हूँ खुद को हील। पियर्सिंग पॉड्स है मेरे पास, होपफुली मैं उसको एक और बार क्या कहते हैं उसको एक और बार वॉल बैंक दे सकूं। इधर देख बैरियोथ। हिटबॉक्स के अंदर आ गया था मैं। एक शॉट, नाइस। मुझ को कर दूंगा मैं टेंडराइज। आ चुका है इसका गुस्सा। ओके जैसे ये भी टेक ऑफ करेगा, बहुत ही बुरा शॉट था वो। बिल्ले जल्दी, धन्यवाद। थोड़ा धीरे वैरियोथ। अरे बाप रे, बहुत ही अच्छा डॉज। कर लेता हूं खुद को हील तब तक। ये कैसे हुआ? नल बैरी की जरूरत है मुझे। नाइस। बढ़िया, एक और। बढ़िया सीक्वेंस था वो। ओके पूंछ जब तक कटेगी नहीं तब तक ये लॉन्ग रेंज अटैक पूंछ से भी करता रहेगा। बार बार बचा मैं वरना वो वन शॉट जाता मैं वहां पे। कर लेता हूं खुद को हील। हील भी कर नहीं देता। बैरियोथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वहां पर फोरसाइट कर लेना चाहिए था लेकिन मैं एनिमेशन में अटक गया था। खैर कोई दिक्कत नहीं, कर लेता हूं खुद को हील तब तक। काफी दूर तक इसकी पूंछ की रीच है। ये अटैक मेरे को अभी तक समझ नहीं आया लग कैसे रही है। हाँ थोड़ा टफ फाइट है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सह लेंगे। एज यूजुअल कर लेता हूँ खुद को मैं शार्पन।
ओह सॉरी, मैंने वेट फिश फिन यूज़ किया जबकि मुझे वेट फिश फिन प्लस यूज़ करना था। तो डिफरेंस यही है, वेट फिश फिन में दो बार वो शार्पन करता है, फिन प्लस में सिर्फ एक बार। हॉट ड्रिंक का इफेक्ट भी ख़त्म हो चुका है। फोरसाइट कैसे नहीं लगा वो? फोरसाइट नाइस। फोरसाइट एक और बार। ओके बैरियर थक चुका है, पूंछ को टेंडराइज करूंगा मैं। पहला शॉट नाइस। मैंने फ्लैश पॉड इक्विप कर रखा है, मुझे कुछ और खतरनाक वाला चाहिए। बैरियर भाग क्यों रहा है? कुछ ज़्यादा ही जल्दी भाग गया, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। ओके ओके, इसके इलाके में एक और कोई तो भी घुस आया है, और बैन बैरो भी यहाँ पर है, फुटप्रिंट्स ऐसा लग रहा है। तो फिर से ट्रिपल थ्रेट थ्रो डाउन होने वाला है, और वो देख सकते हो यार, बैन बैरो यहाँ मौजूद है, बैरियर यहाँ मौजूद है। नहीं इतनी जल्दी नहीं, टर्फ वॉर हो चुका है बैरियर और आई गेस किस पे कि बैरियर और इसमें। एंटिसिपेट कर लेना चाहिए था। एक और बार नहीं, बढ़िया, यही टाइम है। हेल्म ब्रेकर, नहीं 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 यार, बहुत ही बुरी टाइमिंग से रह गया वो। हेल्म ब्रेकर प्लीज प्लीज, नाइस, पूंछ कट चुकी है इसकी, बहुत सही बहुत सही। और कौन है इधर? बैन बैरो भी इधर पे है, एक्सपेक्टेड ही था मेरे को, थोड़ी मदद बैन बैरो भी कर दे, नॉट बैड। ओके, इन दोनों के बीच में फिर से टर्फ वॉर हो चुकी है, नाइस। बैरियर यार बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है बैन बैरो को, फेंक दिया, लिटरली फेंक दिया उसने। इसका दूसरा हाथ भी मैं टेंडराइज कर लेता हूं। ओके, दोनों अपने अपने रास्ते पे, बढ़िया है। तो यार बैरियर की पूंछ कर लेता हूं मैं हार्वेस्ट, नाइस। वेपन को कर लेता हूं शार्पन और चलते हैं बैरियर की बजाने में। बर्फ में अपनी मोबिलिटी भी थोड़ी सी कम हो रखी है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक हाथ तो टूट चुके हैं, फोर साइड नाइस, बढ़िया। एक और बार, निकल लेता हूं यहां से, नाइस। तो
उसके दूसरे हाथ में मेरे को निशान लगाना है। दूसरा हाथ भी टूट चुका है, अब मुझे उसके दांत तोड़ने हैं। तो यार देख सकते हो, जैसे ही मैंने उसके दोनों हाथ तोड़ दिए, उसका मोमेंटम जो है वो बहुत कम हो चुका है। स्पिरिट गेज फुल है, बस मौका चाहिए अभी हेल्म ब्रेकर का। मौका मिल चुका है, और साइड एक बार फिर से पास आने दो, एक बार इसको वॉल बैंक करूंगा। अरे बाप रे, इस तरीके से आने को नहीं बोला था। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे यार ओके, एक बार जल्दी, नाइस। अब करूंगा इसके सर पे हेल्म ब्रेकर, नाइस। तो यार दांत टूट चुका है इसका, एक और बार तोड़ना है। अब आ चुका है इसका गुस्सा, तो देख सकते हो यार दांत टूट चुके हैं इसके। फोरसाइट से, और ये हेल्म ब्रेकर। मुझे लगा मेरी तरफ आएगा। थक चुका है बैरियोट। फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट। थोड़ा दूर जाते हैं क्योंकि कॉर्नर हो चुका हूं मैं यहां पे। बांकड़ बिल्ले को भी बुला लेता हूं। लोकेशन चेंज कर रहा है वो फिर से, खैर कोई दिक्कत नहीं। वेपन हो चुका है शार्पन, चल लेते हैं उसके पीछे। पत्थर मारूंगा मैं इसको। ओके, अटेंशन मिल चुका है इसका। अटेंशन मिलते ही कर देते हैं वॉल बैक, नाइस। फॉर सम रीजन मुंह पे सिर्फ फोरसाइट टू हेल्म ब्रेकर। एक और बार फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट। नाइस शॉट, सारे डैमेज वाइट पे लगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं। फोरसाइट उसका अटैक पैटर्न मेरे को अभी याद रहने लगा है। फोरसाइट अभी नहीं निकल सकता मैं, शायद निकल सकता हूं। नाइस, हेल्म ब्रेकर की कोशिश। थोड़ा रह गया, ओके।
मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। सबसे पहले तो शार्पन ही कर लेता हूँ मैं, और क्योंकि शार्पन हो चुका है वॉल बैंग मैं इसको नहीं दे सकता, तो बेस्ट तरीका यही है कि इसको टेंडराइज ही कर दूँ। और बैरियोत लड़खड़ाने लगा है। नाइस, फाइट मज़ेदार थी यार, लेकिन काफ़ी मुश्किल था उसके पैटर्न्स को समझना। तो यार देखते हैं मेरे पास क्या क्या है। ट्रैंक बॉम्ब्स दो है मेरे पास, अब चाहिए तो बस ट्रैप टूल्स की। आइटम बॉक्स में जाकर देखते हैं, ट्रैप टूल्स है नहीं मेरे पास, लेकिन लेकिन मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ। शॉक ट्रैप मिल चुका है, मैनेज आइटम्स, ओके। एक और तरह का ट्रैप होता है मॉन्स्टर हंटर में, पिटफॉल ट्रैप, उसको क्राफ्ट करना मैंने अभी तक शायद किसी भी एपिसोड में मैंने बताया नहीं है। लेकिन उसको क्राफ्ट करने के लिए बेसिकली तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं उससे यूजुअली दूर ही रहता हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रैप्स होते हैं वो सिर्फ दो ही चीज़ों से क्राफ्ट हो सकती है। जो थंडर ट्रैप्स होते हैं वो दो ही चीज़ों से क्राफ्ट हो सकती है, तो मैं यूजुअली वही यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ट्रैंक बॉम्ब पे डालूँगा अपना कर्सर। ट्रैंक बॉम्ब पे नहीं, सबसे पहले ट्रैप टूल पे ही डालते हैं, और ट्रैप टूल के आते आते तो यार डाल दिया, अभी हो चुका है बैरियोथ कैप्चर। पूंछ काट दी, इसके हाथ तोड़ दिए और इसके दांत भी तोड़ दिए। ऑलमोस्ट हर एक बॉडी पार्ट ब्रेक हुआ है, तो ऑलमोस्ट हर एक बॉडी पार्ट का एटलीस्ट एक एक हिस्सा तो मिलना ही चाहिए। तो यार ये था एक प्रॉपर हंट अब तक के एपिसोड्स में, ये था एक सबसे प्रॉपर हंट। हर एक बॉडी पार्ट तोड़ा अपन ने, और पूंछ भी काटी, प्लस कैप्चर किया। हैंडलर वापस मिल चुकी है, नाइस। एज यूजुअल काश वो बिल्ला में होता। During our search, we noticed a Barioth was nearby, so we hid. Thanks to you, we were able to have a really good look around. For one thing, the ship was covered in gashes from an attack. The Barioth isn't capable of something like that. It came from something far, far more dangerous living here. Then, we found this. It looks new. Whatever made this must be close. How about you? Find out anything? Frozen monsters. Huh. Barioths aren't known for that sort of thing. So then... Singing? एक नया मॉन्स्टर। वही वाले क्रिस्टल्स है वो। Thought it was just a mere miss, but there it is, Velkana. Velkana, तो ये है नए मॉन्स्टर का नाम। What now? Believe in yourself, little moon. You are closing in on the truth. But you're going to need his help. That elder dragon is going to be a problem. और वेलकाना एक एल्डर ड्रैगन है।
We'll meet soon. Whatever happens, please, please be careful. Let's go, partner. तो यार हंट हो चुका है खत्म। बहुत ही मजेदार हंट था ये वाला। और एक चीज बता दूं, अगर तुम मॉन्स्टर हंटर खेल रहे हो या फिर अगर खत्म कर चुके हो तो ये तुम्हें तुम्हारा भी एक्सपीरियंस रहा होगा या फिर रहने वाला है कि बैरियोथ जो है वो मास्टर रैंक का सबसे बड़ा एंट्री ऑब्स्टेकल होता है। बाकी मॉन्स्टर तो फिर भी ठीक है, संभाल सकते हैं, लेकिन बैरियोथ बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। I'll let the fifth take it from here. Thank you, sir. You see, recently we've been discovering monsters in the Hoarfrost Reach that have been completely frozen. And we finally identified the culprit. An Elder Dragon by the looks of it. This Elder Dragon was last seen flying across the sea, roughly in the direction of where we are now. It's likely already here in the New World. So, there you have it. I think it would be best if we started looking into precautionary measures. Thanks to our trusty tracker's meticulous observations, we think we've correctly identified the monster from among our records. It is an elder dragon known as Velkana, the Iceborn Wyvern. There it is. Few sightings have ever been officially recorded. There it is, Iceborn Wyvern. Pure game ka, I mean pure Iceborn ka sabse jyada important monster. They have all been by mountaineers or explorers that ventured deep. Bleakest, coldest extremes in the world. Records say it could freeze other creatures with the merest breath or flap of its wings. We'd always assumed these reports were exaggerated. If an elder dragon this powerful has awoken, then it's all but proof of some drastic change in the environment. I agree, Commander. If I'm not mistaken, we can consider the Legiana crossing to be the clearest sign of that change. You're suggesting that the Legiana have led us to the cause of all this, then? Yes, that's plausible. But first, we need to find this thing. I want the field team to split up and search each region for any unusual signs. Yes, sir. We'll divide our resources and conduct a thorough investigation. I trust you'll take care of threats from any unknown monsters you might find out there. And finally, provisions. We need to prepare for the worst. See to it that you secure as many emergency supplies as possible. That is all. Dismissed. If Velkana's in the New World, that's big news, but not the good kind. तो यार वेलकाना आ चुकी है। एंशिएंट फॉरेस्ट में एक्सपीडिशन के लिए निकलना है, लेकिन as usual नया मॉन्स्टर मारे हैं, तो चलते हैं स्मिथी के पास। फोर्ज इक्विपमेंट, आर्मर देखूंगा। बैरियोथ का कोई तो भी, बैरियोथ का जो आर्मर है उसमें कुछ तो दम होना चाहिए। तो यार कुछ नए आर्मर वगैरह अनलॉक हुए हैं, बैरियोथ का ही पहले देख लेते हैं। ईवेड एक्सटेंडर है जो कि बहुत अच्छा स्किल है। क्विक शीथ, ये भी बढ़िया स्किल है। क्विक शीथ दो लेवल के हैं, तो एक बार इसके पूरा स्किल सेट में देख लेता हूँ। अरे ये क्या हुआ? तो इसमें है पावर प्रोलॉन्गर 2, रिकवरी अप, क्विक शीथ दो लेवल का है, ईवेड एक्सटेंडर एक लेवल का, क्लच क्लो बूस्ट ये तो मेरे पे ही है, और क्लिफ हैंगर। चलो इसको जाने देते हैं। बैरियोथ ए में भी देखते हैं क्या है। ईवेड एक्सटेंडर दो लेवल है बैरियोथ ए में, तो बैरियोथ का हेलमेट जो है बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। रिकवरी अब दो है हाथ में, ओके। क्विक शीथ मेरे को दो चाहिए, तो देखते हैं वो कहाँ से मिल सकता है कि नहीं। तो अरे एक और आर्मर अनलॉक हो चुका है जो कि है रोज़ आर्मर, और जहाँ तक मुझे लगता है मॉन्स्टर स्लॉग बोन कलेक्ट होता है बैरियोथ से, क्योंकि अभी जस्ट अनलॉक हुआ है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। अटैक बूस्ट लेवल 3, बहुत ही बढ़िया स्किल है ये। टूल स्पेशलिस्ट पता नहीं। रिजेंटमेंट
देख लेते हैं रिजल्टमेंट क्या है। अरे क्या हुआ ये, रिजल्टमेंट देख लेते हैं क्या है। इंक्रीज अटैक व्हेन यू हैव रिकवरेबल डैमेज रेड पोर्शन। ओके, तो हल्का सा डैमेज लेते ही अपना जो डैमेज है वो बढ़ जाता है। पार्ट ब्रेकर लेवल 2 है, बहुत ही एपिक स्किल है। देखते इसके लिए क्या क्या ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। पॉइजन रेजिस्टेंस ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, और क्या क्या है, पॉइजन अटैक भी ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन अच्छा ट्रेड ऑफ लग रहा है मेरे को, 150 डिफेंस के साथ बहुत ही अच्छा स्किल है ये। बैरियोथ का देखता हूं मैं और क्या क्या है। तो हेलमेट में लूँ तो हेल्थ बूस्ट कम हो जाएगा, लेकिन हेलमेट में कुछ स्किल है या नहीं। ईवेड एक्सटेंडर मुझे मिल जाएगा, तो अभी मेरे पास ईवेड एक्सटेंडर कितना है, आई गेस लेवल 2 ईवेड एक्सटेंडर है मेरे पास। तो हाथ में भी चेक कर लेते हैं एक बार। क्विक शीथ मिल रहा है मुझे वेस्ट पीस पे, तो क्विक शीथ एक बार मैं स्किल्स में स्लॉट सॉर्ट आउट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर क्विक शीथ मिल गया तो बैरियोथ को ग्रेट स्वॉर्ड से हरा सकते हैं। क्विक शीथ, क्विक शीथ 1, क्विक शीथ 1, क्विक शीथ 2 किसी में भी नहीं है। खैर कोई दिक्कत नहीं, एक बार इवेंट विंडो भी देख लेता हूँ होगा कि नहीं। वीकनेस एक्सप्लॉइट चेक करता हूँ। वीकनेस एक्सप्लॉइट हॉर्नेट और के इसमें है, लेकिन वीकनेस एक्सप्लॉइट सिर्फ लेवल 1 है। ईवेड विंडो डफल पेंगुइन के हेलमेट पे है, और इसमें 138 का मेरे को क्या कहते हैं डिफेंस भी मिल रहा है, तो मैं ये क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो ये मैं इक्विप कर लूँगा। ईवेड विंडो अच्छा खासा आ चुका है, और सर्च करते हैं ईवेड विंडो 3 अगर मेरे को मिल सके तो। वैसे 5 लेवल तक रहता है, लेकिन 5 इतनी ज़रूरत नहीं है। ईवेड विंडो यूजुअली 3 तक अच्छा माना जाता है। वाइपर कडाची 132 डिफेंस मिलता है मुझे यहाँ पे, और देखते क्या मुझे ट्रेड ऑफ करना पड़ रहा है। थंडर अटैक और ब्लाइड रेजिस्टेंस, ईवेड एक्सटेंडर जो है वो मुझे ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे पार्ट ब्रेकर ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। खैर आप ईवेड एक्सटेंडर में ट्रेड ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन पार्ट ब्रेकर ट्रेड ऑफ करना सही डिसीजन अभी के लिए तो नहीं होगा। तो चलो यार क्राफ्ट कर लेते ये वाला। हाथ क्राफ्ट कर लिया मैंने, कर लेता हूँ ये मैं इक्विप। तो यार बिल्कुल ही नया अटायर आ चुका है अपने पास। स्किल्स भी देख लेते हैं एक बार। ईवेड विंडो 3 है, पैलिको रैली लेवल 3 है, हेल्थ बूस्ट लेवल 2 है, पार्ट ब्रेकर लेवल 2 है, ईयरप्लग्स की ज़रूरत हो ना हो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो पहले तो मुझे चाहिए हेल्थ बूस्ट, तो मैं जाऊँगा डेकोरेशंस पे। एंटी पैरा की जगह वाइटैलिटी ज्वेल डाल दूँगा, और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। कुछ खास है नहीं वैसे। स्टैमिना थीफ इसको यूज़ तो कर सकता हूँ, तो यूज़ कर ही लेता हूँ। फूरोर और मेडिसिन, रिजेंटमेंट ये भी यूज़ कर सकता हूँ। माइस्मा, इफ्लुवियम रेजिस्टेंस की अभी ज़रूरत नहीं है, तो हार्ड मियाउस्टर यूज़ करता हूँ ताकि मेरे बिल्ले का अटैक बढ़ जाए, और इसके लिए स्टेडफीस यूज़ कर लूँगा ताकि स्टन से थोड़ा रेजिस्टेंस मिल जाए। नाइस, एक बार फिर से देखता हूँ बैरियोथ का और क्या क्या है। फोर्ज इक्विपमेंट में जाऊँगा, आर्मर में। वैसे देखा जाए तो ईवेड एक्सटेंडर, खैर अभी तो मुझे लगता नहीं है कि बैरियोथ के कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ईवेड विंडो मुझे मिल रहा है और मैं नहीं चाहता कि ईवेड विंडो में ट्रेड ऑफ करूँ ईवेड एक्सटेंडर के लिए।
ईवेड एक्सटेंडर तो रहे ना रहे यार, वो तो चल ही जाता है। क्विक शीट की अभी ज़रूरत नहीं है, वो बाद में देखी जाएगी। तो यार इतने हंट हो चुके हैं, तो जाते टाइम एक और हंट भी कर ही लेते हैं। जाने से पहले लेवल 3 पे जाऊंगा, और तीनों के तीनों बैरियोथ से रिलेटेड है, और एक है लगियाना से रिलेटेड जो कि है कोरल हाईलैंड में। लेकिन 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 ये भी देख लेते हैं कि पूके पूके के कौन से क्या क्या बचे हुए हैं। अपग्रेड इक्विपमेंट में जाऊं तो पुके पुके फेलविंग बचे हुए हैं मेरे पास। हाँ तो यार पार्ट ब्रेकर भी आ चुका है, तो चलो पुके पुके के विंग्स ही कलेक्ट कर लेते हैं। यार बने रहो मेरे साथ, क्योंकि मॉन्स्टर हंटर का ये एक हिस्सा है कि कोई भी अगर वेपन वगैरह क्राफ्ट करना रहता है तो यूजुअली यही रहता है कि उसके पार्ट्स वगैरह तोड़ फोड़ करके उसके इक्विपमेंट्स कलेक्ट करें। तो उसके लिए जैसे कि ऑलरेडी देख चुके हो, एक या दो बार मैंने पुके पुके हंट किया था, और जाते टाइम भी एक और बार पुके पुके को हंट कर रहा हूँ। लेकिन गेम का यही एक हिस्सा है, और क्योंकि अभी मेरे पास पार्ट ब्रेकर लेवल 2 है, तो जो पार्ट ब्रेक डैमेज होगा वो और जल्दी आएगा, और इसकी वजह से बहुत जल्दी मैं इसके पंख और तोड़ सकता हूँ। उठा लिया है मैंने कुछ पत्थर। कोशिश करूँगा इसको एक बॉल बैंक दूँ सबसे पहले ही। नाइस, पहला पंख। स्टैमिना नहीं था मेरे में, तो देख सकते हो यार ईवेड विंडो जो है वो बड़ा हो गया है, तो कितनी जल्दी जल्दी रोर वगैरह से भी डॉज कर पा रहे हैं। एक और पंख को टेंडराइज कर देता हूँ। तो पॉइजन रेजिस्टेंस मैंने ट्रेड ऑफ कर दिया उसके लिए। बहुत बुरा अटैक था वो। पंखों पे एक और बार, और पहला पंख टूट चुका है, देख सकते हो साइड में पार्ट ब्रेक आ चुका है। दूसरा पंख भी टूट चुका है, पूंछ भी काट दी, अब इसका सर तोड़ूंगा। तो इसको भी बैरियोस की तरह प्रॉपर हंट की तरह ही एंड करेंगे, बॉडी के हर एक पार्ट काट करके। नाइस, पंख टूट चुके हैं, लेकिन तुम देख ही रहे हो मैं पंखों पे ही वार कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक्स्ट्रा डैमेज जो है वो बच जाए। फिर से डॉज रोल कर लिया अपन ने, ईवेड विंडो काफी ज्यादा है। नाइस, एक और बार। और भूखे भूखे खत्म। तो देखते हैं, पंख 3 पीस मिल जाए तो मजा आ जाए, 6 पीस तो मिलेंगे नहीं। तो यार लूट में तो पंख मिली नहीं, देखते हैं रिवॉर्ड्स में अगर मिल सके तो। ओ हाँ, ऑलमोस्ट मैं भूल ही गया था कि मैंने इसकी पूंछ भी काट रखी है।
लेकिन पूंछ से एज यूजुअल भूखे भूखे टेल ही मिला अपने को। खैर कोई दिक्कत नहीं। अब बस उम्मीद ही लगाए बैठ सकते हैं कि नेक्स्ट वाले क्या कहते हैं, अभी जो रिवॉर्ड का स्क्रीन आने वाला है उससे पूके पूके के कुछ पंख वगैरह मिल जाए। तो यार एक और दो पंख मिले हैं मुझे, तो यूजुअली जो दो पंख रहते हैं उनको तोड़ने के बाद जो यूजुअली जो रिवॉर्ड मिलता है वही है। तो इसको कर लिया है कलेक्ट world, और दो तीन पुके पुके के हंट कर ही लेते हैं। इवेंट क्वेस्ट में देखता हूँ पुके पुके है कि नहीं। पुके पुके और इसके साथ टोबी कडाची भी फ्री में आ रहा है, लेकिन अपने को हाई रैंक का चाहिए, लो रैंक का नहीं। और ये हमेशा लो रैंक में ही है और ऊपर से स्पेशल अरीना के अंदर तो है, लेकिन उसके साथ और दो मॉन्स्टर्स भी फ्री में आ रहे हैं। तो चलो यार ऑप्शनल क्वेस्ट की ऑप्शनल क्वेस्ट को ही कंप्लीट करते हैं। वाइल्ड स्पायर वेस्ट में है अभी, कैंप 6 में जाऊंगा और देख सकते हो यार बैरियत कैप्चर हो रखा था और वहाँ पर वो सो रहा है। तो चल लेते हैं वाइल्ड स्पायर वेस्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले ट्रैप टूल्स ले लेता हूँ मैं। हो सकता है कि कैप्चर करने से थोड़ा एक्स्ट्रा रिवॉर्ड वगैरह मिल जाए। क्राफ्टिंग लिस्ट में जाके देखता हूँ कि ट्रैंक बॉम्ब क्राफ्ट नहीं कर सकता मैं क्योंकि स्लीप हर्ब नहीं है मेरे पास। खैर कोई दिक्कत नहीं, रास्ते में ही स्लीप हर्ब मिल जाएगा। इंसेक्ट ग्लिव यूज़ कर रहा हूँ और मैं स्टैमिना वगैरह लिया नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो रेशन एक ले लेता हूँ मैं, एक या दो पीस। और जितना मुझे याद है पुके पुके यहीं पर होगा एकदम सामने की तरफ, जैसा कि देख सकते हो वहाँ पे। करना है सबसे पहले इसको वॉल बैंक। दूसरा पंख टेंडराइज हुआ नहीं। अरे यार बैरोथ भी आ चुका है यहाँ पे। पुके पुके जा रहा है, जितना मेरा अंदाजा है रैथियन के नेस्ट की तरफ जा रहा है वो, पर कोई दिक्कत है नहीं, रैथियन आया तो वो भी पिलेगा। दूसरा पंख भी हो चुका है टेंडराइज। रेड पावर अप नहीं मिला अभी तक। हाँ अभी मिला। तो यार पहला पंख टूट गया, दूसरा पंख भी नाइस। रैथियन भी मौजूद है यहाँ पे, दोनों पंख टूट चुके हैं। पूछ भी तोड़ ही देता हूं। पूछ भी टूट चुकी है, नाइस। टू बैड। तो यार देखो पुके पुके विंग मिल चुका है मेरे को, छोटे वाले दो पुके पुके विंग मिल चुके हैं, नाइस शाइनीज से।
किस्मत अच्छी है आज, भूखे भूखे भाग रहा है। बहुत हो चुका, चक्कर आ चुके हैं मेरे को, एक और बार रैथे ने दे दिया टक्कर। खैर कोई दिक्कत नहीं, रैथेन को इग्नोर करता हूँ, किसी एक ही मॉन्स्टर पर फोकस करता हूँ। रुकी पुकी ज्यादा दूर नहीं था, मतलब एक सवारी मिल जाए बढ़िया। आगे की तरफ पुके पुके डाउन, थैंक्स बिल्ले। तो फिर से सारे बॉडी पार्ट्स टूट चुके हैं इसके, देख सकते हो। तो यार ये हो चुका है कमजोर, तो अगर कमजोर हो ही गया है तो थोड़ा डिस्टेंस ले लूंगा मैं, और एक स्लीप हर्ब कहीं से तो भी लेके आऊंगा, और फिर मैं इसको कैप्चर कर लूंगा। बैरोथ भी यहां पर मौजूद है, इसके नजदीक से ही स्लाइड थू कर गया मैं। खैर तो यार देखो, मिल चुका है स्लीपर और आ चुका है ट्रैंक बॉम्ब। 100 भी थक चुका था ऑलमोस्ट। ट्रैंक बॉम्ब रेडी है, ट्रैप टूल रेडी है, अब बस जाना है पुके पुके के लोकेशन पे और उसको कर लेना है कैप्चर। पैरोथ भी डोसा ही लिया है, जब तक उसको छेड़ूंगा नहीं वो मुझे नहीं छेड़ेगा। चलो अच्छा है, शॉक ट्रैप रेडी है, और यहाँ पर पूंछ भी रेडी थी जो मैंने लास्ट टाइम कलेक्ट नहीं कर पाया था क्योंकि राथियन बीच में आ गया था। तो यार चलो डाल देता हूँ 2 ट्रैंक बॉम्ब्स और डाल देता हूँ 1 शॉक ट्रैप, और हो गया फूके फूके कैप्चर। नाइस, nice. 10 सेकेंड का टाइमर है, ऑलमोस्ट खत्म। देखते हैं रिवॉर्ड्स में कितने पंख मिले हैं अपने को, होपफुली क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो। तो यार देख सकते हो पहले के 2 पंख मिले थे कलेक्शन में ही, और अभी एक और पंख मिला है, मतलब टोटल 3 पंख मिल चुके हैं, और उससे पहले अपने को मिले थे 2 और पंख। तो 6 पंखों की रिक्वायरमेंट थी और 5 पंख मिल चुके हैं। If Falcon is in the new world, that's big news, but not the good kind. तो चलो यार चल के देख लेते एक बार वर्कशॉप पे। इंसेक्ट ग्लेव अपना अनलॉक हुआ कि नहीं, वैसे तो एक और की जरूरत पड़ेगी लेकिन एक बार चेकआउट कर लेता हूं मैं। 5 हो चुके हैं देख सकते हो, 1 की ही जरूरत है, तो जल्दी से एक और हंड में कर ही लेता हूं पुके पुके का। पोस्ट न्यू क्वेस्ट होपफुली एक स्पेशल अरीना में मिल जाए, स्पेशल अरीना में ही है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ये। और इस बार मैं चूज़ करूँगा लॉन्ग शॉट एज यूजुअल,
मील वगैरह लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाई रैंक पुके पुके है, जल्दी ही मर जाएगा। परिंदा फ्रेश एंड रेडी है यहाँ पे खत्म होने के लिए। खैर एक दो तीन और वॉल बैक, पंख हो चुका है टेंडराइज। दूसरा पंख भी, पहला पार्ट भी आ चुका है, नाइस। फोर साइड कॉम्बो कंप्लीट, रेड गेज फुल। तो यार देखो पंख ऑलरेडी मिल चुका है मुझे, चाहो तो क्वेस्ट को एंड कर सकता हूं यहीं पे, लेकिन क्यों ही करना। चलो दूसरी पूंछ कट गई, बस पंख बाकी रहता है दूसरा वाला। तो दूसरा पंख भी कट चुका है यहां पे, एक और बार वो पैरालाइज हो गया। ये बेचारा बुली हो रहा है यहां पर, एकदम ही अनफेयर फाइट है। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, गेम अपने को हमेशा अनफेयर सिचुएशन में डालता है। फोर साइड कॉम्बो कंप्लीट, फिर से गिरा नीचे और खत्म। कर लेता हूं इसको लूट। पंख फिर से नाइस, एक और पंख और एक पूंछ। हाँ। तो यार तीन पंख मिले हैं एक ही क्वेस्ट पे, तो दो बार अच्छी किस्मत रही अपनी। पूंछ मैंने कहाँ काटी थी, यहां पर है, तो इसको भी कलेक्ट कर ही लेता हूं अब अगर आ ही गया हूं तो। नाइस, 20 सेकेंड अभी वेट करना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, गेम में एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था कि एक बार जैसे ही क्वेस्ट ख़त्म हो तो टाइमर तो हो शुरू होता है, वो चलता है, लेकिन स्किप टाइमर करके भी कुछ ऑप्शन आना चाहिए था ताकि एक बार अगर लूट वूट ले तो टाइम स्किप कर सके। मे बी मल्टीप्लेयर की वजह से ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मल्टीप्लेयर्स में तुम्हारे कोई दोस्त वगैरह या फिर तुम्हारे कोई टीममेट वगैरह लूट कर रहे हो और अगर तुमने गलती से स्किप कर दिया तो वो सही नहीं रहेगा। तो यार देख सकते हो दो पंख मिल चुके हैं, प्लस लूट करते टाइम अपने को और भी ज़्यादा पंख मिले थे, तो इसका मतलब यह है नेक्स्ट लेवल का इंसेक्ट ग्लेव मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ। जल्दी से चलते हैं स्मिथी के पास। ओके, अपग्रेड एंड नाइस। तैयार है अपना डटूरा ब्लेड 3। नेक्स्ट है डटूरा स्टॉर्म 1, और उसके लिए अपने को चाहिए पुके पुके शार्ड, जो कि है एक मास्टर रैंक पुके पुके का मटेरियल। तो यार वो कलेक्ट करते हैं और वो ग्राफ्ट करते हैं अगले एपिसोड पे। तो यार आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ तुमको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि आज का रिपीटेटिव ग्राइंड तुमको कैसा लगा और आज का मॉन्स्टर बैरियोथ तुमको कैसा लगा, क्योंकि रिपीटेटिव ग्राइंड मॉन्स्टर हंटर के गेम प्ले लूप का ही एक हिस्सा है, तो उसको स्किप मैं कर नहीं सकता। और मैं चाहता हूँ कि तुमको भी एक आइडिया मिले कि ग्राइंडिंग कितनी ज़्यादा रिपीटेटिव कभी कभी हो सकती है, और कभी कभी अगर किस्मत अच्छी हो तो ग्राइंडिंग कितनी कम करनी पड़ सकती है। जैसे
पुके पुके के अभी के लास्ट के दो हंट्स में थे, बहुत ही जल्दी मटेरियल्स मिल गए। तो लक भी डिपेंडेंट रहता है, और बैरियोथ के केस में दो चीज़ें एक साथ क्राफ्ट करने के लायक था मैं, उसका चेस्ट पीस और उसका वेस्ट पीस। तो यार ये था एक समरी थोड़े से ग्राइंडिंग वगैरह पे। तो इसी के साथ यार मैं अलविदा लेता हूँ, और मैं तुम्हें मिलूँगा मॉन्स्टर हंटर के अगले एपिसोड पे।